नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। उपस्थित हुआ हूं तुला राशि का मासिक राशिफल मार्च 2023 को लेकर के। मार्च के महीने में कौन कौन से बदलाव तुला राशि के जातकों को देखने को मिलेंगे, मार्च के माह में कौन कौन से बदलाव तुला राशि के जातकों को देखने को मिल सकते हैं, इस मार्च के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति तुला राशि के जातकों के लिए बन रही है, संपूर्ण ग्रह गोचर स्थिति का हम विश्लेषण करेंगे और बात करेंगे तुला राशि के जातकों के स्वास्थ्य का, आर्थिक स्थिति का, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय का, क्या क्या उतार चढ़ाव तुला राशि के जातकों को इस मार्च के माह में देखने को मिल सकते हैं, कौन सी तारीखें आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी तारीखों में आपको सतर्क सावधान रहना है, इन तमाम बातों के भी हम चर्चा करने वाले। चलिए शुरू करते हैं, राशि फल शुरू करें। उससे पहले सभी नए दर्शकों को बता दें, राशिफल चंद्र कुंडली पर आधारित है, मून साइन से ही इस राशिफल को देख लीजिएगा, सन साइन व लग्न से न देखें। चलिए सबसे पहले हम एक नजर डालते हैं तुला राशि के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति पर। संपूर्ण मार्च के माह में कैसी ग्रह गोचर स्थिति तुला राशि के जातकों को देखने को मिलेगी। तुला राशि का स्वामी जो कि शुक्रदेव है, शुक्रदेव और देवगुरु बृहस्पति शंख नामक योग बना करके आपके लिए छठे भाव में स्थित है। मीन राशि के अंतर्गत सूर्य, बुध और शनि कुंभ राशि में पंचम भाव में स्थित है। पांचवें भाव में मंगलदेव आठवें भाव में स्थित है। वृषभ राशि के अंतर्गत केतु तुला राशि में ही स्थित है, लग्न में संचरण कर रहे हैं। राहु मेष राशि में सातवें भाव में स्थित है और चंद्रमा की बात अंत में करेंगे। एक स्थिति कुछ इस तरह की बन रही है। इस ग्रह गोचर स्थिति में चार ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, कौन कौन से बदलाव है उनको भी देखें। सबसे पहला बदलाव मंगलदेव का होगा, 12 मार्च को मंगलदेव राशि परिवर्तन करेंगे, मेष राशि को छोड़ करके मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, भाग्य भाव में आपके लिए स्थित हो जाएंगे। 12 तारीख को ही शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा, आपके राशि स्वामी है, मीन राशि को छोड़कर के मेष राशि में स्थित होंगे, राहु के साथ युति बनाएंगे लेकिन सातवें भाव में होंगे जहां के शुक्रदेव कारक भी होते हैं। 15 तारीख को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, सूर्यदेव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, गुरु शिष्य योग आपके लिए छठे भाव में बनेगा। और 16 तारीख को बुध देव का राशि परिवर्तन, बुध देव कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में आएंगे, अपने नीच राशि के अंतर्गत संचरण करेंगे। ये आपकी संपूर्ण मार्च माह की ग्रह गोचर स्थिति। सबसे पहले हम स्वास्थ्य की बात करें तो तुला राशि के जातक हैं, प्रथम दो सप्ताह विशेष सतर्क सावधान रहना है। तुला राशि के जातक हैं, मंगलदेव आठवें भाव में स्थित हैं, निश्चित है हाँ कहीं ना कहीं स्थितियां बिगड़ सकती हैं, ब्लड से संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, चोट चपेट इत्यादि की घटना घटित हो सकती है, खान पान का ध्यान नहीं रखेंगे तो पेट से संबंधित समस्याएं भी आपको देखने को मिल सकती है। तो सतर्क सावधान रहिएगा, डरिएगा नहीं। वाहन इत्यादि चलाते हैं तो भी सतर्क सावधान रहिएगा, जो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में है, मेहनत का काम करते हैं उनको भी सतर्क सावधान रहना होगा। वाहन इत्यादि चलाते हैं या अपने किसी भी यात्रा, नई यात्रा पर जाते हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, बजरंग बाण का पाठ करके ही यात्रा पर जाना शुभ रहेगा। कार्य क्षेत्र की बात करें तो दसवें भाव के स्वामी चंद्रमा आपके लिए बनते हैं, यहाँ पर ग्रह कोई भी स्थित नहीं है, देवगुरु बृहस्पति की उच्च दृष्टि जरूर बनी हुई है। आप अध्ययन से संबंधित किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या आप राजनीति के कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, निश्चित ही आपके लिए लाभप्रद स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कुछ हद तक आपको भागदौड़ अत्यधिक करनी पड़ सकती है, गुप्त शत्रु आपका कार्य बिगाड़ सकते हैं, ऐसी स्थितियों में सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। वैसे शुक्र और देवगुरु बृहस्पति का शंख नामक योग बन रहा है, अंतिम विजय आपकी ही होगी लेकिन कुछ विघ्न जरूर आ सकते हैं कार्य क्षेत्रों में, इसका ध्यान जरूर रखिएगा। 12 मार्च के पश्चात मंगलदेव भाग्य भाव में होंगे, भाग्य से भी आपके कुछ कार्य बनेंगे, भाइयों के सहयोग से आप कुछ कार्यों को जरूर करेंगे। तो कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव का माहौल जरूर बन रहा है लेकिन कहीं ना कहीं सफलता आपको अवश्य मिलेगी। व्यवसायिक क्षेत्र की बात करें तो यहां पर भी राहु स्थित है, अड़चने देखने को मिल सकते हैं लेकिन अंतिम दो सप्ताहों में शुक्रदेव की युति भी बनेगी तो कहीं ना कहीं जीवन साथी का सहयोग आपको देखने को मिलेगा और व्यापार में कहीं ना कहीं वृद्धि व तरक्की देखने को मिल सकती है। तुला राशि के जातक हैं, विवाह नहीं हुआ ऐसे जातकों के लिए विवाह के योग भी बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर भी आपको सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति के स्वामी सूर्यदेव आपके लिए बनते हैं जो कि पांचवें भाव में स्थित है। आर्थिक स्थिति के मामले में खर्च आपके बढ़ने वाले हैं, अत्यधिक खर्च होंगे, कुछ इन्वेस्ट आपके गलत हो सकते हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा।
यदि आप कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो कुछ इन्वेस्ट गलत भी हो सकते हैं, उसका परिणाम हानि भी पहुंचा सकता है, इसलिए सतर्क सावधान जरूर रहिएगा। कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो पहले छानबीन जरूर करें, उसकी जानकारी लीजिएगा, उसके उपरांत ही इन्वेस्ट करिएगा। जो जातक मार्केटिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो जातक शेयर मार्केट इत्यादि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको अचानक से हानि देखने को मिल सकती है, इसलिए इन क्षेत्रों में भी आपको सतर्क सावधान रहना होगा। चंद्रमा की बात करें तो मित्रों, चंद्रमा बहुत ही गतिशील ग्रह हैं। चंद्रमा 2 से 2.25 दिन के भीतर अपनी राशि परिवर्तन कर देते हैं। चंद्रमा जब भी शुभ ग्रहों के साथ होते हैं उनमें अत्यंत शुभता होती है, लेकिन वही चंद्रमा जब क्रूर ग्रहों के साथ होते हैं 6, 8, 12 भाव में होते हैं, कहीं ना कहीं नकारात्मकता देने का भी कार्य करते हैं, और फलस्वरूप 1 महीने के भीतर 6 से 8 दिन हम सबके जीवन में, आपके हों या हमारे, हम सबको ऐसे अवश्य देखने को मिलेंगे जब हमें मानसिक अशांति, अज्ञात भय, किसी न किसी प्रकार की चिंता, शारीरिक थकावट, घर हो या आपका कार्य क्षेत्र हो, कहीं ना कहीं कलह कलेश का वातावरण आपको देखने को मिल सकता है, झगड़े का वातावरण देखने को मिलता है। कौन कौन सी ऐसी तारीखें तुला राशि के जातकों के लिए बन रही है, इन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएंगे शुभ तारीख। तारीख 1, 2, 3, 4, 15, 16, 19, 20, 28, 29 और 31 मार्च तुला राशि के जातकों के लिए लाभप्रद तारीखें साबित होंगी, कहीं ना कहीं अच्छी तारीखें रहेंगी, और 8, 9, 10, 11, 17, 18, 21, 22, 23 और 24 मार्च को आपको सतर्क सावधान रहना होगा। 6 तारीखें आपके लिए सामान्य तारीखें रहेंगी। मार्च का माह आपके लिए सर्वश्रेष्ठ माह हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। ज्योतिष से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर हमारे स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा।